हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, डियर नाम की एक मूवी आई है। गाइज, ये मूवी एक तमिल मूवी है, लेकिन गाइज आपको सारी भाषाओं में देखने को मिलेगी। गाइज, इस मूवी को मैंने हिंदी में देखा। गाइज, मूवी की स्टोरी की बात करें तो गाइज एक लड़की होती है, वो खर्राटे लेती है, और गाइज जब उसकी शादी के लिए लड़के देखने आते हैं तो वो सबको ये बात बताती है, लेकिन जिस लड़के से इसकी शादी होती है उस लड़के को ये बात बताना भूल जाती है। वो नहीं बताती है अपनी माँ के कहने, और जब शादी होने के बाद जब उस लड़के को पता चलता है कि वो खर्राटे लेती है, तो गाइज उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि मतलब उसको अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आ जाए तो उसकी नींद खुल जाती थी। तो गाइज उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा, उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती थी, और इसके कारण उसकी जॉब में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। वो जॉब के टाइम पे सोता था, जिससे कंपनी में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, उसके बॉस डांटने लगे। मैं उसने सोचा कि शायद सुधर जाएगा, लेकिन उसने ये सब बात छोड़ के उसने कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और वो कोर्ट जाता है। और गाइज मूवी में जो लड़का है उसकी फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही, तो गाइज देखना ये होगा क्या उसको तलाक मिलता है या उसका बाद में मन बदल जाता है, ये सब आपको मूवी देखने के बाद पता चले। गाइज मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और गाइज जो मुद्दा उठाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन गाइज जिस तरह से मुद्दे को उठाया गया था, लास्ट तक उसको कंटिन्यू नहीं किया गया है। गाइज बीच रीच भटक जाती है, क्योंकि गाइज जो फैमिली की जो दूसरी प्रॉब्लम थी उस पर शिफ्ट हो जाती है। और गाइज जो मुद्दा उठाया गया था शुरू में वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुद्दा था गया था, क्योंकि गाइज एक रिलेशनशिप के पर्पज से ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज इस मूवी से हमारी जो सोसाइटी है उस पर एक नया और बहुत अच्छा मैसेज जाता है। ये मूवी ठीक ठाक है, एक्टिंग सबकी ठीक है, तो गाइज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये मूवी देखो, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को आप देखोगे तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो गाइज इस मूवी को मैं दूँ 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो गाइज मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।